दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। केजरीवाल लगातार चुनावी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं और लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही कई सवाल खड़े किए हैं। तो क्या आरोप लगाए केजरीवाल ने पीएम पर, देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद अपने सभी निगम पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा, तिहाड़ में उनकी सेल में सीसीटीवी कैमरे लगे थे जिसे 13 अधिकारी मॉनिटर करते थे। इसकी लाइव फीड प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जाती थी। केजरीवाल ने आगे कहा कि जेल में मुझे मेरी पत्नी से मिलने से रोक दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुझे ऐसे मिलवाया गया जैसे हम अपराधी हों। मेरे सेल में दो दो सीसीटीवी कैमरे लगा कर रखे थे। मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे खाता हूँ, कौन सा टीवी चैनल देखता हूँ, एक एक मिनट की नजर रखी जाती थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी मुझे देख रहे थे। सीएम ने पार्षदों से कहा कि मैं कहीं भी रहूं, लेकिन आप लोग दिल्ली को बंद मत होने देना। बीजेपी और पीएम मोदी को दिल्ली में हमारे किए हुए कामों से डर लगता है। हमारे काम की वजह से आज लोग हमें प्यार और इज्जत करते हैं। इन लोगों ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। इन्होंने सोचा इससे सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। इन लोगों ने मुझे जेल में डालकर सोचा कि इससे दिल्ली बंद हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। उन्होंने निगम पार्षदों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे 2 जून को वापस जेल जाना होगा। अगर आप लोग 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाएंगे तो मैं 5 जून को ही बाहर आ जाऊंगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।